अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मैं बोयिनपल्ली से आया हूँ। ये मेरा लड़का है जिसका नाम मोहम्मद रियान है, 16 साल का है, जिसका दिमागी तवज़ुन के वजह से पिछले 8 साल से बहुत परेशान हूँ मैं, कि उनका इलाज कराते कराते पूरा पैसा चलेगा मेरे पास, जो भी था पूरा खर्चा होगा, कर्जा होगा, अभी भी बाकी है, अभी इलाज कराना है। इनकी मेंटल एज जो है 8 साल बता रहे हैं डॉक्टर, जबकि उम्र इनकी 16 साल है। मैं को जो भी हजरात हैं मेरी मदद करना चाह रहे हैं, मुझे मदद करिए मेरे बच्चे के इलाज के लिए। मेरा ये बच्चे का इलाज यशोदा हॉस्पिटल और NIMH में चल रहा, दो जगह चल रहा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड। अब तक लगभग 4 से 5 लाख रुपए हुए, 4 से 5 लाख रुपए अब तक इन पे खर्चा हुआ है। अभी पैसों की जरूरत है, अभी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए होना पड़ रहे हैं डॉक्टर, जो उसका MRI करने का है, उसके आगे इलाज करने के लिए। इनके वजह से मैं काम पे भी नहीं जा रहा हूँ, मेरा हिस्सा पूरा खर्चे में आ गया। किराए का घर है, 2 लड़कियाँ हैं मेरे, एक जो 9th क्लास है, 1 7th क्लास है। बहुत बुला भी स्कूल को उन्हें भेजा सक रहा हूँ मजबूर, क्योंकि फीस नहीं बन सके। घर वाले घर में मशीन चला के घर में ज़रा गुजारा हो रहा, और ये मालूम कर ले कि अमजदुल्ला खान साहब के पास है, उनके पास मदद के लिए। अमजदुल्ला खान साहब से मिला मदद करने के लिए वाला। जो जो हजरात मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी मदद करिए है।